बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। लखनऊ में आग में झुलसकर दो लोगों की मौत हो गई है और मुख्यमंत्री योगी ने आग की घटना का संज्ञान भी लिया है। देखिए, आज हादसे एक के बाद एक जो खबर है उनसे जुड़ी आ रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, ये देखिए, सीधे वहां पहुंचे हैं और जो लोग घायल हुए हैं जिनको हॉस्पिटल लाया गया है उनसे उनका हालचाल जान रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ त्वरित एक्शन लेते हुए जांच के आदेश भी दे दिए हैं और समुचित उपचार के इलाज की व्यवस्था करने के लिए कहा था अधिकारियों को। डॉक्टरों से पूछ रहे हैं कि हालचाल क्या है और मुलाकात भी हो रही है। तो जितने लोग यहां पर घायल हुए हैं उनके अच्छे इलाज की व्यवस्था कराने के आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही दे दिए थे और अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और यहां हर किसी का व्यक्तिगत तौर पर उनके पास पहुंचकर उनका हालचाल जान रहे हैं। डॉक्टर भी बता रहे हैं कि कितनी दिक्कत किस मरीज को है। देखिए, सबसे ज़्यादा दिक्कत अगर कहीं आग लगने वाली जगह पर होती है तो वो धुएं से होती है क्योंकि वहाँ धुआं निकलने की जगह नहीं होती और इस होटल में तो हमने देखा कि धुआं निकलने की जगह नहीं थी और इस वजह से अब जब वो धुआं शरीर के अंदर जाता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है और इसलिए देखिए आप सबको ऑक्सीजन इस वक्त लगाई गई है ताकि वो जो धुएँ का असर साइड इफेक्ट जो होता है शरीर पर वो कम हो सके। सिविल अस्पताल इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँचे हैं और हर एक मरीज के पास खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं और हालचाल जान रहे हैं। देखिए, बात भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कितनी एक्टिव है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितने एक्टिव होकर इस पूरे मामले को संज्ञान में उन्होंने लिया है, इन तस्वीरों से इसका अंदाजा लगाइए, समझिए। पूरी प्रशासनिक टीम यहाँ पर पहुँचती है, आला अधिकारी यहाँ पर पहुँचते हैं, मुख्यमंत्री खुद पहुँचते हैं, डॉक्टर को निर्देशित करते हैं। रहा है, आप देख सकते हैं कि इस व्यक्ति फिलहाल होश में नहीं है, ऐसा लग रहा है। लोग जो हैं इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, फायर फाइटर्स ने रस्सियां जो है यहां पर बांध रखी हैं और इसको निकाल कर बाहर नीचे निकालने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कैसे लेवाना होटल के सेकंड फ्लोर से अब इस व्यक्ति का रेस्क्यू किया जा रहा है। अब इस व्यक्ति की क्या हालत है, क्या स्थिति है, फिलहाल इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि कोशिश ये की जा रही है कि सभी जो व्यक्ति अंदर फंसे हैं उनको निकालने की कोशिश की जाए। कि अभी तक की जानकारी के मुताबिक यहां पर कोई भी जो स्टाफ था वो नहीं था, लेकिन हो सकता है कि ये वो गेस्ट हों जो कमरों में रुके हुए थे, जो कमरों के अंदर सोए हुए थे और शायद उनको समय पर जानकारी नहीं मिल पाई कि होटल में आग लगी है, वो निकल नहीं पाए और ऐसे व्यक्तियों को भी सर्च किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस के जवान जो है वो अब इस व्यक्ति को रेस्क्यू कर रहे हैं। अभी तक जो हम देख पा रहे हैं यहां अपनी नजरों से उसके मुताबिक ये व्यक्ति होश में नहीं है। अब इसकी हालत कैसी है, क्या ये स्वस्थ है या नहीं है, ये फिलहाल नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन आप तस्वीरें देखिए तो देख सकते हैं कि कैसे इस व्यक्ति को अब नीचे उतारा जा रहा है, रस्सा बांधा गया है और उस रस्से के जरिए तमाम जो फायर फाइटर्स हैं वो यहां पर मौजूद हैं और इसको उतारने की कोशिश कर रहे हैं। कमर में एक मोटा रस्सा बांधा गया है और खींचकर नीचे उतारने की कोशिश की जा रही है। निश्चित तौर पर बेहद दिल दहला देने वाला ये मामला सामने आ रहा है और उस व्यक्ति को अब अचेत अवस्था में, बेहोशी की हालत में नीचे उतारा जा रहा है। क्या स्थिति है, क्या वो ठीक है या नहीं है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आप देखें तो पुलिस के जवान जो है, फायर फाइटर्स जो है, वो रस्ते को बांधकर सीढ़ी के सहारे नीचे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीर सीधे आप लाइव ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं कि कैसे यहां पर लिवाना के सेकंड फ्लोर से इस व्यक्ति को उतारा जा रहा है। निश्चित तौर पर अगर ऐसी स्थिति है तो आने जो दूसरे कमरे हैं वहां पर भी लोगों के फंसे होने की सूचना हो सकती है, वो भी अंदर हो सकते हैं और उन लोगों को भी रेस्क्यू किया जा रहा होगा और इसी के लिए जो फायर फाइटर्स हैं वो यहां पर लगातार बने हुए हैं और दूसरे जो रास्ते हैं, दूसरे जो होटल के इमरजेंसी एग्जिट हैं वहां से भी इन लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, बेहद मार्मिक तस्वीर है कि किस तरीके से उस व्यक्ति को कमर में रस्सा बांधकर नीचे उतारा जा रहा है और जो यहां पर फायर फाइटर्स हैं वो सीढ़ी, इमरजेंसी सीढ़ी के सहारे इसको नीचे उतार रहे हैं और यकीन मानिए इतना धुआं यहां पर है
कि यहाँ पर नीचे खड़े लोगों का भी सांस लेना दूभर है, तो ऐसे में बहुत मुमकिन है कि जो व्यक्ति ऊपर फंसा होगा, अगर कोई व्यक्ति और यहाँ पर फंसे हैं, तो निश्चित तौर पर उनको और ज्यादा समस्या हो सकती है। ये तस्वीरें आप देखिए, फायर फाइटर्स लगातार उस व्यक्ति का रेस्क्यू करके उसको नीचे उतार रहे हैं, और ऐसे में बहुत मुमकिन है कि अगर कोई व्यक्ति अंदर फंसा होगा तो निश्चित तौर पर उसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब होगी, गंभीर होगी। आप तस्वीरें देखिए कि कैसे इस तरीके से व्यक्ति को फिलहाल स्ट्रेचर पर फर्स्ट फ्लोर पर उतार कर रखा जा रहा है, और स्ट्रेचर के जरिए अब एम्बुलेंस में लादकर अस्पताल पहुंचाया जाएगा। जो फिलहाल की स्थिति देखने को मिल रही है उससे लग रहा है कि व्यक्ति का जो दम है धुएं की वजह से घुट रहा था, और फिलहाल व्यक्ति अगर आप देखें तो अचेता अवस्था में है, यानी बेहोशी की हालत में है। ऐसे में ये मार्मिक तस्वीर है, बहुत मार्मिक तस्वीर है, और निश्चित तौर पर किसी भी व्यक्ति को डरा सकती है, दहला सकती है। और क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में फायर फाइटर्स और साथ ही साथ जो यूपी पुलिस की चिकित्सा और साथ ही साथ यूपी चिकित्सा सेवा है वो यहाँ पर लगी हुई है, कोशिश ये की जा रही है कि और भी व्यक्तियों को रेस्क्यू किया जा सके। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बेहद मार्मिक तस्वीर है और बेहद दिल दहला देने वाली, डराने वाली तस्वीरें हैं कि अगर व्यक्ति अगर और भी ऐसे फंसे होंगे तो निश्चित तौर पर एक बड़ा हादसा कहा जाएगा।